वो हमारे संस्कार में नहीं है। हम कुछ और करने के लिए, कुछ और आगे बढ़ने के लिए और कुछ और नई ऊंचाइयों को पार करने के लिए हम आगे बढ़ना चाहते हैं। विकास को, समृद्धि को, सपनों को साकार करने को, संकल्प को लिए जीवन खपाने को हम अपना स्वभाव बनाना चाहते हैं, देशवासियों का स्वभाव बनाना चाहते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आज नई शिक्षा नीति बहुत एक मात्रा में कई राज्यों ने उसको अच्छा इनिशिएटिव लिए है और उसके कारण आज एक 21वीं सदी के अनुरूप हमारी शिक्षा व्यवस्था को जो हम बल देना चाहते हैं और विकसित भारत के सपने के लिए जिस प्रकार से मानव समूह तैयार करना चाहते हैं, नई शिक्षा नीति बहुत बड़ी भूमिका अदा करेगी। मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे देश के नौजवानों को अब विदेशों में पढ़ने के लिए मजबूर होना पड़े। मध्यम वर्ग के परिवार के लाखों करोड़ों रुपया बच्चों को विदेश पढ़ने के लिए भेजने में खर्च हो जाए। हम यहां ऐसी शिक्षा व्यवस्था का विकसित करना चाहते हैं कि मेरे देश के नौजवानों को विदेश जाना न पड़े, मेरे मध्यम वर्गीय परिवारों को लाखों करोड़ रुपया खर्च करना न पड़े। इतना ही नहीं, ऐसे संस्थान निर्माण हो ताकि विदेशों से लोग भारत के अंदर मुंह मोड़े। अभी अभी हमने बिहार का, हमारा गौरवप्रद इतिहास रहा है, नालंदा यूनिवर्सिटी का पुनर्निर्माण किया है, फिर से एक बार नालंदा यूनिवर्सिटी काम करना शुरू कर दिया है। लेकिन हमें शिक्षा के क्षेत्र में फिर से एक बार सदियों पुराने उस नालंदा स्पिरिट को जगाना होगा, उस नालंदा स्पिरिट को जीना होगा, उस नालंदा स्पिरिट को लेकर के बड़े विश्वास के साथ विश्व की ज्ञान की परंपराओं को नई चेतना देने का काम हमें करना होगा। मुझे पक्का विश्वास है कि नई शिक्षा नीति ने मातृभाषा पर बल दिया है। मैं राज्य सरकारों से कहूंगा, मैं देश की सभी संस्थानों से कहूंगा कि भाषा के कारण हमारे देश की टैलेंट को रुकावट नहीं आनी चाहिए, भाषा अवरुद्ध नहीं होनी चाहिए। मातृभाषा का सामर्थ्य हमारे देश के छोटे छोटे गरीब से गरीब मां के बेटे को भी सपने पूरा करने का ताकत देता है और इसलिए हमने हमारी मातृभाषा में पढ़ाई, जीवन में मातृभाषा का स्थान, परिवार में मातृभाषा का स्थान, उसकी ओर हमें बल देना होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू ET Now।